ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वीडियो ऑफ योर चैप्टर 11 लीनियर इक्वेशन। तो इसमें बच्चों हमने लास्ट टाइम अभी पढ़ा था कि ट्रायल मेथड से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है आपके पास सिस्टमैटिक मेथड। ठीक है, सिस्टम में कैसे चलेंगे, सिस्टमैटिक मेथड में कैसे करेंगे सॉल्व। तो पहली इक्वेशन जो करा वो है x+6 = 2। इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग सिस्टमैटिक मेथड। तो सबसे पहले देखो हमको x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, सिस्टमैटिक मेथड का मतलब ये है कि जो परफॉर्मा यहां पर अप्लाई करेंगे वही पर सेम परफॉर्मा यहां पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको x तक अप्रोच करना है। ठीक है, x की वैल्यू बतानी है। अब ये x की वैल्यू कैसे आ सकती है, +6 है, ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। तो इस +6 को कैसे लाया जा सकता है कि अगर मैं इसमें क्या कर दूं, -6 कर दूं। ठीक है, +6 को हमको x चाहिए, तो x के साथ +6 है, तो +6 को कैसे हटा सकते हैं, हमें -6 अप्लाई करना। अब देखो लेफ्ट में मैंने -6 अप्लाई करा तो राइट में भी मेरे को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, -6। ठीक है, कि जो परफॉर्मा यहां लगाएंगे वही यहां लगाएंगे। ठीक है, तो +6 से -6 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा x। यहां से 2 -6 करेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, x = -4। तो ये आपका करवाया है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, x + 6 = 2 बाय यूजिंग सिस्टमैटिक मेथड। अब नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 20t = -10। 20t = -10। अब अप्रोच कहां तक करना है, t चाहिए बस। ठीक है, 20 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं तो 20 से 20 हट जाएगा, t रहेगा। अब मैंने लेफ्ट में क्या करा, 20 से डिवाइड कर दिया, तो राइट में भी 20 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल होगी, यहां बच गया t, और यहां क्या रह गया, -1/2। तो आंसर क्या आ गया, t = -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पार्ट। पार्ट क्या है नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, 5m + 7 = 10। 5m + 7 = 10। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो करा, सेकंड क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट करा, सेकंड पार्ट करा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले +7 हटा दिए। ठीक है, तो +7 हटाने के लिए -7 लगा दिया और इधर भी -7 लगा दिया। ठीक, दोनों तरफ +7 से -7 कैंसिल हो गया, 5m = 10 - 7 = 3 आ गया। ठीक, अब देखो क्या हटा रहा है, 5 हटा रहा है, तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में इससे डिवाइड कर दूं 5 से, तो राइट में इससे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, इससे ये कैंसिल हो गया, m की वैल्यू इससे इक्वल आ गई 3/5 के इक्वल आ गई। तो ये आपका मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, तो ये कैसे होगा, अगर आप पहले दो पार्ट करोगे फिर ही होगा ये आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट करते हैं मेथड। तो नेक्स्ट जो सा मेथड है उसमें आपकी चॉइसेस काफी सारी है। ठीक है, कि आप काफी सारी चॉइसेस यूज कर सकते हो। तो पहले इसका सेकंड पार्ट जो लिखा है वो करवाता हूं, आफ्टर दैट फर्स्ट करवाऊंगा। तो इसमें क्या है, a/5 + 3 = 2। पहले तो मेथड का नेम चेंज करते हैं, नेम क्या है, ट्रांस पोजीशन, मतलब पोजीशन को ट्रांस कर देना है। ठीक है, मतलब इधर की उधर कर देनी है। ठीक है, वेरिएबल लाइक वाले एक तरफ कर देनी है, अनलाइक वेरिएबल एक तरफ सॉल्व कर देनी है। ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो ये आपके पास है, ये आपके पास a में है, a/5 है, ये आपके पास एक सिंपल नंबर है और ये भी आपके पास एक सिंपल नंबर है, तो नंबर वाले के साथ कंबाइन कर देनी है। ठीक है, तो a/5 सेम रहा ये। ठीक है, एरो डालना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए डाल रहा हूं। तो सिंपल ही देख लेता हूं, a/5 इक्वल भी सेम लिखा। ठीक है, ये 2 भी सेम लिखा। अब मैंने +3 को नंबर वाले को नंबर की तरफ ही भेज देता हूं, यहां पर इस नंबर को उधर शिफ्ट करना है, तो इसके साथ साइन लिखता हूं +10। तो जब उस साइड इक्वल की उधर साइड जाएगा तो साइन डिफरेंट हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक, अगर यहां माइनस का है तो उधर जाके प्लस का। ठीक, और प्लस का है तो उधर जाके माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास a/5 सेम लिखा, 2 - 3 - 1 हो गया। ठीक, अब a की वैल्यू सेम, ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, नीचे अगर डिवीजन में है तो राइट में जाके मल्टीप्लिकेशन,
और अगर राइट में मल्टीप्लिकेशन भी है तो लेफ्ट में आके डिवीजन है। तो 5 into minus 1 तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास minus 5, ठीक है, मतलब डिफरेंट हो जाएगा कंसेप्ट। अगर इधर प्लस 3 है तो उधर जाके माइनस 3, अगर इधर डिवीजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में। बस ये फंडा है इसका ट्रांसपोजिशन का। तो आपका सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास x by 2 minus 1 equal to x by 4 plus 1, ठीक। अब इसमें x present है, इसमें भी x present है, इसमें x present नहीं है, इसमें भी नहीं, ठीक है। तो जिनमें x present है उनको एक तरफ, जिनमें x present नहीं है उनको एक तरफ दे देंगे। तो यहाँ पर देखो x by 2 same रखा, equal की जगह equal ही रखा। अब इसको इधर लेके आने x का देखो, या अब ये इसके साथ sin है plus का, तो इधर आपको क्या बन जाएगा माइनस का, ठीक है। अब ये सेम है प्लस 4, ठीक है, इधर था माइनस 1 तो उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस 1, ठीक। अब यहां पर आप भी एलसीएम ले लेंगे, जैसे आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हो फ्रैक्शन वाले चैप्टर में x / 2 - x / 4, तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आएगा 2x - x और इधर इन दोनों की एडिंग कितनी आएगी 5। अब 2x - x कितना आ गया x, x / 4 is equal to 5। अब x की वैल्यू चाहिए, अब ये नंबर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, उधर जाके नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन है, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह देते हैं कई टर्म्स में। तो 4 into 5 कितना हो जाएगा आपके पास 20, तो x की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 20। इसी में एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। तो सपोज हमारे पास फर्स्ट पार्ट की तरफ आता हूं, अगर मैं पहले वाले का फर्स्ट पार्ट, तो इसमें x + 6 = 2 था, ठीक है। हमको चेक करना है कि अगर मैं चेक करना है आपने कि कौन सी वैल्यू इसमें पुट करने पर आंसर सही आता है। तो सपोज मैंने यहां पर रखा कि चेक करो x की वैल्यू 1 पुट करने पर या फिर x की वैल्यू -4 पुट करने पर कौन सा मेथड यूज करने पर हमारे पास आंसर ही आता है। तो आपने इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1 + 6 लेफ्ट में कितना आंसर आ गया 7, 7 क्या 2 की इक्वल है नहीं, तो मतलब x की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, ठीक। अब इसमें पुट कर देता हूं x की जगह वैल्यू -4, तो -4 + 6 कितना बन जाएगा प्लस का 2, और उधर क्या है राइट में प्लस का 2 तो इक्वल है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि x की वैल्यू -4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी चेक करना आता है सिंपल, जो सी वैल्यू दे रखी है उसको आपने वेरिएबल की जगह पुट करके आंसर चेक करना है कि क्या वो वाला आंसर जो राइट में आंसर दे रखा है उसके इक्वल है। अगर तो इक्वल है तो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं।